आप देख रहे हैं सत्य और राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव डॉट कॉम की रिपोर्ट, जो आपको रखे सबसे आगे। जानसठ से पत्रकार ब्रह्म प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ओम शांति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का पुण्य स्मृति दिवस आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। जानसठ कस्बे के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा को दी गई पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सोमवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती का 59वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्योगिनी नंदिनी माताजी रही। सर्वप्रथम कार्यक्रम में शुभारंभ करते हुए उनके चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि राज्योगिनी नंदिनी माताजी ने मां जगदम्बा सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी प्रवेश बहन जी ने की। उन्होंने कहा कि मातेश्वरी जगदम्बा पवित्रता की जननी थी, वह साक्षात सरस्वती थी। वह आप सामान निरंकारी विश्व बंदिनी ब्रह्मा बाबा की पद चिन्ह पर चलने वाली सरस्वती जगदम्बा माँ थी। इस दौरान मुख्य रूप से कार्यक्रम में परी ओम शांति, प्रवेश दीदी, राजयोगिनी नंदिनी माताजी, प्रियांशी बहन, श्रवण भाई, जयवीर भाई, खुशी बहन, आनंद भाई, दीपक भाई, तेज सिंह भाई, प्रवीण भाई, महेंद्र भाई आदि मौजूद रहे। अगर हम अशुद्ध वातावरण में रखें तो उसका भी परिणाम हमारे सामने होता है। उसको ना तो कहीं देखने जाने की जरूरत है, ना कहीं सुनने जाने की जरूरत है। और जैसे हम आज मम्मा का तिथि या जो भी आप इसको कह रहे हैं जो मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने बाबा इष्ट को धारण किया, इष्ट को ही उन्होंने खाया, इष्ट को ही उन्होंने पहना, इष्ट का ही तकिया बनाया, इष्ट का ही बिछाना बनाया जिस पर वो लेटे, जो खाया। जी, आज क्या कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जानसठ सेवा केंद्र पर आज जगदम्बा माँ सरस्वती का स्मृति दिवस मनाया गया है। और उसमें यही बताया गया है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना। माँ जगदम्बा सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़कर उन्होंने यह सरस्वती की पदवी को प्राप्त किया। और ऐसा ही हम अपने जीवन में शिव के ज्ञान को, जो ब्रह्मा के द्वारा शिव ने बताया, वो माँ जगदम्बा सरस्वती ने अपने जीवन में धारण किया। और वही हमें अपने जीवन में धारण करके हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी बन सकते हैं। हम अपने जीवन में धनवान, भाग्यवान, शक्तिवान बन सकते हैं। यही हमारे परमपिता परमात्मा की प्रेरणा है। और जगदम्बा सरस्वती ने इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल फॉलो करके दिखाया है। हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। ये आज का यहाँ पर प्रोग्राम रहा है और जिसमें ब्रह्मा भोजन भी और माँ जगदम्बा सरस्वती को सभी ने मन की सच्ची श्रद्धा की अंजलि दी, उसको अर्पित किए और प्रतिज्ञा की कि हम भी अपने जीवन में भगवान ने जो महावाक्य उच्चारे उन महावाक्यों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को दैवी गुणों की धारणा से भरपूर करके अपने जीवन को भी सुखमय बनाए और संसार को भी सुखमय बनाए। यही हमारी शुभकामना सुभावना है। सभी का जीवन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो, सुखमय जीवन हो, ऐसी सुख की दुनिया लाने के लिए हम सभी का प्रयास है। आप भी इसमें सहभागी बने। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।